राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा आजकल सुर्खियों में है और वजह है उनकी शादी की खबरें। और इन्हीं खबरों के बीच एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कभी किसी नेता से शादी नहीं करेंगे। परिणीति चोपड़ा के अफेयर की खबरें इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। उन्हें लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्हें प्यार हो गया है और वो जल्द ही शादी करने वाली हैं। बता दें, इस वीडियो में वो कहती नजर आ रही हैं कि पति के लिए उनकी पहली चॉइस कभी भी पॉलिटिशियन नहीं होगा। इस वीडियो में उन्होंने अपने आइडियल पार्टनर के बारे में बताया था। बता दें, इंस्टाग्राम पर परिणीति चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें दोनों ने रैपिड फायर सेक्शन में भाग लिया था। इसी दौरान जब उनसे पूछा गया कि वो किस कलाकार से शादी करना चाहती हैं, तो इस पर उन्होंने हॉलीवुड अभिनेता ब्रैड पिट का नाम लिया था। लेकिन इसी बीच जब उनसे नेता के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा, मैं किसी भी पॉलिटिशियन से शादी नहीं करना चाहती, बहुत से विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन मैं कभी किसी पॉलिटिशियन से शादी नहीं करूंगी। बता दें, जब उनसे पूछा गया कि वो अपने फ्यूचर पार्टनर में क्या देखती हैं, इस पर उन्होंने कहा था कि वो सेल्फ मेड व्यक्ति होना चाहिए, मुझे ऐसे व्यक्ति पसंद हैं जिनकी खुद की अपनी पहचान हो, उन्होंने अपने जीवन में कुछ किया हो। बता दें, परिणीति चोपड़ा को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। उन्होंने वैसे तो अपनी शादी को लेकर चुप्पी साध रखी है। बता दें, उनसे कई अवसर पर इस बारे में पूछा भी गया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं परिणीति चोपड़ा की कजिन प्रियंका चोपड़ा भी भारत आ गई है। वो अपने पति और बेटी के साथ मुंबई पहुंची है। दोनों ने हाल ही में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के कार्यक्रम में भी भाग लिया था। तो आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।